आरजेडी में कोई सिस्टम है जी? नहीं है सिस्टम। कहाँ सिस्टम है जी? कोई आपके जगदानंद जी के बेटा है, वो कुछ और बोलता है। अब देखिए उसी पार्टी में शिवानंद तिवारी है, कहीं ना कहीं पंडित जी का विरोध कर रहे हैं। उसमें कोई सिस्टम नाम की चीज हल ही नहीं है, कोई कुछ भी बयान दे देता है। समझ लीजिए अगर इस टाइप के बयान दिए हैं, इसका मतलब समझ लीजिए पढ़े लिखे नहीं, अपने क्षेत्र में काम भी सही से लगता है नहीं किया है, उनको संविधान का थोड़ा भी ज्ञान नहीं है, इसलिए इस टाइप के बात को वो बयान इस टाइप को दे रहे हैं कि ब्राह्मण भारत छोड़ के रूस चले जाए। माननीय श्री तेजस्वी यादव जी, उनको इस बयान को संज्ञान में लेकर उनको तुरंत निष्कासित करके पार्टी से निकाल देना चाहिए। वो आरजेडी के एक बड़े नेता हैं, पूर्व विधायक, आप उनको इस तरह से कहेंगे तो लोग कहेंगे कि आप सवर्ण युवा हैं, आप किस जाति के? ये बताइए। हम तो पासवान जाति के। पासवान होकर विरोध कर रहे हैं उनका। कि जो नेता ए टू जेड की बात करते हैं, इसका मतलब वो भी गलत कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप अपने नेता, सर्वमान नेता का विरोध कर रहे हैं। अगर उन्हें पार्टी से नहीं निकाला जाएगा तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव का समर्थन माना जाएगा। एकदम माना जाएगा, तेजस्वी यादव समर्थन एकदम माना जाएगा। मेरा युवा जो रोजगार बेरोजगार है उसको कैसे रोजगार मिले, शिक्षा पे काम करना चाहिए, स्वास्थ्य पे काम करना चाहिए, इस सब पे काम करना चाहिए। सब फालतू के उलूर जुलूर बयान में कहा ही लोग पड़ा रहता है, उसमें भी पूर्व विधायक है, कैसे ही विधायक बन गए यही समझ नहीं आ रहा है। अच्छा एक बात बताइए, तेजस्वी यादव क्यों नहीं कुछ कार्रवाई कर पाते हैं? यदुवंश यादव जैसे नेता पे कभी शिक्षा मंत्री कुछ बोल देते हैं, कभी पार्टी लाइन से अलग हटकर जगदानंद सिंह के बेटे कुछ बोल देते हैं, कभी शिवानंद तिवारी कुछ बोल देते हैं, पार्टी लाइन से अलग हट हट के लोग बोलते रहते हैं, तेजस्वी यादव क्या कर रहे हैं? बट आरजेडी में कोई सिस्टम है जी? नहीं है सिस्टम। कहाँ सिस्टम है जी? कोई आपके जगदानंद जी के बेटा है, वो कुछ और बोलता है। अब देखिए उसी पार्टी में शिवानंद तिवारी है, तिवारी है, कहीं ना कहीं पंडित जी का विरोध कर रहे हैं। उसमें कोई सिस्टम नाम की चीज हल ही नहीं है, कोई कुछ भी बयान दे देता है। समझ लीजिए राज्य की बड़ी पार्टी आप कह रहे सिस्टम नहीं है, क्या सिस्टम है? उसको तो बीजेपी से सीखना चाहिए जी। उसको बीजेपी से सीखना, ये लोग समाज में गलत चीज फैला रहा है, द्वेष फैला रहा है, उससे बढ़िया बीजेपी से सीखना चाहिए। जो भी समाज में गलत चीज पड़ोसने काम करता है उसको तुरंत पार्टी से निष्कासित किया जाता है। बीजेपी एकदम एक्शन लेती है। आरजेडी कहती है हम बड़ी पार्टी है, क्या बड़ी पार्टी है आप? कोई सिस्टम नाम की चीज नहीं आपके पास। आपके कोई नेता कुछ और बयान देता है, आपके शिक्षा मंत्री कुछ और बोलते हैं, आपके अभी प्रेजेंट में एमएलए है, आप मंत्री भी रहे हैं, केस के चलते बाहर है, क्या है उस टाइप के नेता को कुछ भी बयान देता है। आप लोग पास कुछ सिस्टम, आरजेडी में सिस्टम नाम की चीज बचा है? बताइए ना हमको। कोई सिस्टम नहीं है, इसको बीजेपी से सीखना चाहिए कि जो भी उनके पार्टी के खिलाफ, लालू जी के पार्टी में अब अनुशासन नहीं रहेगा। लालू जी, जब देखिए लालू जी की बात मत कीजिए, तेजस्वी यादव थोड़ा भी एक्शन नहीं ले रहे हैं। समझ लीजिए कोई सिस्टम नाम की चीजें नहीं है, क्या ए टू जेड की बात करते हैं, कहीं ना कहीं उसमें रख के उस समाज का विरोध भी करते हैं, ये सब गलत है, इस चीज नहीं होना चाहिए। तरह का स्टेटमेंट आता है समाज के लिए, कैसा स्टेटमेंट है ये? देखिए हम लोग 21वीं सदी के युवा हैं, पढ़े लिखे युवा हैं, इस प्रकार के जो उलूर जुलूर बयान दे रहे हैं, इस बयान को एकदम हम विरोध करते हैं। मतलब समझ लीजिए वो अगर पूर्व विधायक हैं, अगर इस टाइप के बयान दिए हैं, इसका मतलब समझ लीजिए पढ़े लिखे नहीं, अपने क्षेत्र में काम भी सही से लगता है नहीं किया है, उनको संविधान का थोड़ा भी ज्ञान नहीं है, इसलिए इस टाइप के बात को वो बयान इस टाइप को दे रहे हैं कि ब्राह्मण भारत छोड़ के रूस चले जाए। ये गलत है। समाज में, इस देश में, इस प्रदेश में समझ लीजिए कि सारे लोगों का योगदान है, इस प्रदेश को बनाने के लिए, इस देश को बनाने के लिए सारे लोगों का योगदान है, सारे समाज का योगदान है, सारे वर्ग का योगदान है। वो दलित हो चाहे महादलित हो, चाहे सॉरी आपके बैकवर्ड हो चाहे फॉरवर्ड हो, सबका योगदान है और सबसे मिल के ये समाज बना है, इसीलिए इसको भारत का सोने का चिड़िया कहा जाता है। अगर इस टाइप को बयान दे रहे हैं कि ब्राह्मण भारत छोड़े, पंडित जी लोग भारत छोड़ के रूस चले जाए, समझिए एकदम गलत है। जो उनके सर्वमान नेता हैं माननीय श्री तेजस्वी यादव जी, उनको इस बयान को संज्ञान में लेकर उनको तुरंत निष्कासित करके पार्टी से निकाल देना चाहिए। वो आरजेडी के एक बड़े नेता हैं, पूर्व विधायक, आप उनको इस तरह से कहेंगे तो लोग कहेंगे कि आप सवर्ण युवा हैं, आप किस जाति के? ये बताइए। हम तो पासवान जाति के। पासवान होकर विरोध कर रहे हैं उनका, क्या ही नहीं विरोध करेंगे, गलत कीजिएगा। समाज में क्या एक मतलब पासवान का ही देन है समाज को बनाने के लिए, प्रदेश को बनाने के लिए, देश को बनाने के लिए, क्या एक मतलब ब्राह्मण का ही देन है, क्या एक यादव का ही देन है? सारे कास्ट से मिलकर इस देश चलता है, सारे कास्ट को मिला के इस प्रदेश को खुशहाली के लिए मतलब जो भी किया जाता होता है, लेकिन इस टाइप के जो बयान दे रहे हैं एकदम गलत दे रहे हैं, इस टाइप को बयान नहीं देना चाहिए। और पूर्व विधायक है उनपे तो एकदम इस सब बयान शोभा नहीं देता है। क्या लगता है एक जनप्रतिनिधि को क्या नौबत आ पड़ी कि इस तरह का बयान दे रहा है? इस बयान पे हम यही कहेंगे कि माननीय श्री तेजस्वी यादव जी को तुरंत संज्ञान इस मैटर को ले और उसके बाद उनको पार्टी से एकदम निष्कासित कर दे। वो मतलब समझ लीजिए कैसे विधायक बन गए, वो समझे नहीं आ रहा है। आप इस टाइप के मतलब पढ़े लिखे लोग हैं, विधायक बन गए, एक सदन में गए, 5 साल सदन में रहे, उसके बाद इस टाइप के बयान दे रहे हैं किसी जाति धर्म को लेके,
एकदम गलत है। यानी आपके जो नेता ए टू जेड की बात करते हैं, इसका मतलब वो भी गलत कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप अपने नेता, सर्वमान्य नेता का विरोध कर रहे हैं। अगर उन्हें पार्टी से नहीं निकाला जाएगा तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव का समर्थन माना जाएगा, एकदम माना जाएगा। तेजस्वी यादव समर्थन एकदम माना जाएगा, तब तो उनको पार्टी से नहीं निकाल रहे हैं। आप ए टू जेड की बात कर रहे हैं, कहीं आपके नेता लोग गलत कर रहा है, किसी के बारे में गलत बोल रहा है। ये लोग समझिए जाति का मतलब क्या कार्ड खेलना चाहता है लोग, मतलब ये अलग टाइप की राजनीति करना चाहता है। ये लोग क्या करना चाहिए, मतलब प्रदेश कैसे आगे बढ़े, मेरा प्रदेश कैसे खुशहाल रहे, मेरा युवा जो रोजगार बेरोजगार है उसको कैसे रोजगार मिले, शिक्षा पे काम करना चाहिए, स्वास्थ्य पे काम करना चाहिए, इस सब पे काम करना चाहिए। सब फालतू के उलूर जुलूर बयान में कहा ही लोग पड़ा रहता है, उसमें भी पूर्व विधायक है, कैसे ही विधायक बन गए यही समझ नहीं आ रहा है। इस तरह के बयान से समाज पे क्या कुछ प्रभाव पड़ सकता है? एकदम समाज पे प्रभाव पड़ेगा। उस तरह लोग मतलब समझ लीजिए एक तरह विद्रोह पैदा कर रहा है लोग समाज में, गलत उलूर जुलूर बयान देकर समझ लीजिए कि मतलब कहीं ना कहीं द्वेष का भावना ही लोग करना चाहता है। अब जो पढ़ा लिखा युवा नहीं है, जो मतलब नौजवान है, अब उसको इस टाइप के बयान के बारे में बताइएगा समझाइएगा तो कहीं ना कहीं गलत रास्ता पे चल जाएगा। है उनके समाज कहीं ना कहीं अपने समाज के विरोध होना चाहिए, इस तरह के विरोध होना चाहिए, एकदम पूर्ण रूप से विरोध होना चाहिए। उनको पार्टी से भी उनको 6 साल के लिए जो निष्कासित किया जाता है, उनके पार्टी के संविधान में जो नियम है उसके नियम के हिसाब से उनको हटा देना चाहिए। जो जनता उन्हें चुनकर सदन भेजती है उन्हें क्या कहेंगे? अरे जनता तो गलती से चुन ली थी उनको, गलती से चुन लेता उनपे, हमको लगता है कि सीबीआई जांच होना चाहिए अपने क्षेत्र में क्या क्या काम किए हैं, एकदम क्या क्या किए हैं अपने क्षेत्र में। यदुवंश यादव पे सीबीआई जांच होना चाहिए, एकदम जांच होना चाहिए अपने क्षेत्र में क्या काम किए। अगर पढ़े लिखे रहते तो सही काम किए होते, इस टाइप के बयान नहीं दिए होते, उनको संविधान का नॉलेज होता, उनको समाज के बारे में पता रहता, तब न संविधान समाज के बारे में गलत सलत उलूर जुलूर बयान नहीं देते। चलिए बहुत धन्यवाद यदुवंश यादव की इस बयान पे। आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट में अपने प्रतिक्रिया जरूर रखें। धन्यवाद।